गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब ने इस साल 12th की परीक्षा पास करी है और 12th पास करने के बाद छात्र दुविधा में होते हैं कि कौन सा कोर्स करें, किस कॉलेज में एडमिशन लें, और ये उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है। आज यहाँ इस वेब पेज पर आपको वो सारी जानकारियां मिलेगी, वो सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिसके साथ आप अपने लाइफ का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, इसको मैं लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी डिसीजन पर डिपेंड करता है, इस 3 साल पर डिपेंड करता है कि आगे का 30 साल, आगे का 60 साल आपका कैसा होगा। हो सकता है आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया हो, आप PCM के स्टूडेंट हैं, या आप PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या आपने आर्ट्स के थ्रू पढ़ाई करी है। अब आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा? क्या आप BCA कर सकते हैं? क्या BSc IT का कोर्स और BCA के कोर्स में क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट के सेक्टर में किस तरह के जॉब हैं? बैंकिंग में अगर जॉब पाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो कौन सा कोर्स बेहतर होगा? IT सेक्टर में किस तरह के जॉब मिलते हैं, क्या काम करना होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, क्या IT सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं? आज कौन सी तकनीक को सीखना होगा? ये सारे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। हमने यहां पर आपके छोटे बड़े कई सारे प्रश्नों को क्लासिफाई किया है, अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। अब इस रिसर्च में आपको थोड़ा समय लगाना होगा। आपको बेस्ट कॉलेज चुनना चाहिए, बेस्ट कोर्स चुनना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में ग्रेजुएशन का कोर्स 2 बार नहीं करेंगे। आप ऐसे कॉलेज का चुनाव करो जहां पर लगातार कम से कम भी 5-6 घंटे की प्रतिदिन पढ़ाई होती हो, क्योंकि ये पढ़ाई का कॉलेज का अवसर जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है। आप ऐसे कॉलेज का चुनाव करिए जहां आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया जाए, जहां कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव किया जाए, जहां आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जब आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल मिलेगी। मान लीजिए आप कंप्यूटर का कोर्स पढ़ रहे हैं और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, वेबसाइट बनाना आता है, एप्स बनाने आते हैं, गेम डेवलप करना आता है, साइबर सिक्योरिटी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मशीन लर्निंग आती है, ब्लॉकचेन आता है आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है आपको, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आपको बहुत बेहतर पैकेजेस मिल पाएंगे। आज सिमित संस्थान के छात्र ऐसे भी हैं जो साल में करोड़ से ऊपर का पैकेज कमा रहे हैं, लंदन में जॉब कर रहे हैं, टेक्सास में इरविंग में जॉब कर रहे हैं, डलास में US में जॉब कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हमारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। उन सारे बच्चों के बारे में आपको इस पेज पर जानकारी मिलेगी, उनके वीडियोस देखने को मिलेंगे, उनके फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। आपको हमारे स्टूडेंट जो IBM में है, PayPal में है, Cognizant में है, Accenture में है, HP में है, Oracle में है, Ernst & Young में है, Deloitte में है, तो ये विकल्प आपको इस पेज पर, आपको ये सारा कुछ जानने और समझने को मिलेगा। देखिए, बिहार से 50,000 से ज्यादा छात्र BCA का कोर्स करते हैं, 40-50,000 छात्र BBA का कोर्स करते हैं। क्या इन छात्रों को सबको जॉब मिल जा रही है? नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है आप सब लोग जान रहे हैं इस बारे में। आखिर उनको जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, और आखिर सिमिस के बच्चों को जॉब क्यों मिल जा रही है? क्या अंतर है उस तकनीक में, उस विधि में, उस विधा में, उस तरीके में? ये आपको यहां इस पेज पे, इस वीडियोस में जानने को मिलेगा। ये जानना महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि कोई भी कोर्स का डिग्री हासिल कर लेने मात्र से आपका जीवन जो है सफल नहीं हो पाएगा। उस कोर्स को सही तरीके से करते हैं अगर आप इंडस्ट्री की जरूरत को समझते हुए उसके अनुसार अपनी तैयारी करते हैं, तो आपको कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है। तो आज आप इस पेज तक पहुंच गए। ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर सको, इस कारण से आप यहां आए हो, और यहां आपको वो सारे विकल्प, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। एक एक करके आप प्रश्नों को पढ़ें, उत्तर को पढ़ें, जो वीडियोस दिए गए हैं उन वीडियोस को देखें और समझें। सिर्फ किसी के कह देने मात्र से अपने जीवन का यह महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। बच्चों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही नाजुक मोड़ होता है जहां उन्हें अपने लिए कॉलेज और करियर का चुनाव करना होता है, और यह तपस्या होती है 3 साल की। अगर कोई छात्र ऐसा है जिसे 3 साल तक क्लासेस नहीं करनी है और सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, तो इस पेज पे दी गई जानकारी उसके काम की नहीं है, और ना सिमिज कॉलेज उसके काम का है। लेकिन इस पेज पे दी गई जानकारी उन बच्चों को बहुत काम आएगी जो तरीके से 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, जो
नॉलेज और स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, ऐसे सारे स्टूडेंट्स को ये पेज पर वो सारी जानकारी मिलेगी। और जहां पर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे। कॉलिंग आप दिन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप WhatsApp के माध्यम से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, आपको WhatsApp पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अन्यथा आप पटना में सिमेज कॉलेज में, पाटलिपुत्रा में सिमेज में आप आ करके इंक्वायरी ले सकते हैं। सिमेज के बारे में आपको गूगल पर और यूट्यूब पर बहुत जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, यदि आपने 12th पास किया है तो ये एक ई-बुक, आपको इसका ई-बुक अभी आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ डाउनलोड ई-बुक करना है, ये ई-बुक फ्री मिलेगा, जिसमें आपको हाउ टू चूज करियर एंड कॉलेज, इसको लेकर के सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे कि कौन से कोर्स में किस तरह का जॉब मिलता है, उस जॉब के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है और किस तरह की सैलरी मिलती है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो जॉब देती हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, पेडागॉजी क्या होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस ई-बुक में मिलेंगे। और इस ई-बुक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी पेज पर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आईटी सेक्टर की पढ़ाई के साथ और मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ सिमेज ने लाया है। इन वीडियोस को आप देखिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाइए, और कोई भी छात्र के मन में ऐसा कोई प्रश्न हो जो कि आपको लगता है कि उसका जवाब आपको यहां नहीं मिल पा रहा है, आप उन प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, आपके प्रश्नों का आपको भी जवाब दिया जाएगा और उन वीडियोस को बना करके इस पेज पे ऐड कर दिया जाएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी उन प्रश्नों का जवाब मिल सके। आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं इस यात्रा में, आपको जीवन का जो ये 3 साल है, ये सफल 3 साल का आपका यज्ञ हो और इसकी आपको पूर्णाहुति के रूप में एक सफल करियर की प्राप्ति हो। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।